कैसे हैं भाई लोग। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। आज मेरे हाथ में ये रेडमी 4X है और यहाँ पे देख रहे होंगे ये फ़ोन ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें प्रॉब्लम है कि चार्जिंग ये स्टोर नहीं कर रहा है। और अगर आप चार्ज लगाते हो इस फ़ोन में, अभी मैंने लगा रखा है, तो बैटरी बढ़ने के बजाय घटने लगता है। जो परसेंटेज होता है वो इसका डाउन होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम दो जगह से हो सकती है। पहला तो इसके नीचे एक आईसी होता है यहाँ पे, और इसके नीचे एक आईसी होता है। तो पहले हम छोटे वाले आईसी को चेंज करके देखेंगे अभी, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी हम इसका मदरबोर्ड ओपन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं इसको, और मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या चेंज करना है। तो नोट स्टोरिंग का प्रॉब्लम है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये वाला आईसी चेंज करना है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो फर्स्ट में हम यही आईसी चेंज करके देखेंगे अभी, और इसको निकालते हैं हम अभी। तो ये हमने निकाल लिया इसको, और ये बहुत छोटा साइज ही होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये बहुत छोटा सा आईसी होता है, देख रहे होंगे। तो इसको हम रख देते हैं साइड में, और पहले हमें यही चेंज करना है जब स्टोर ना करे बैटरी चार्ज में। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इस आईसी में जो तीन पॉइंट्स होते हैं वो ग्राउंड से शॉर्ट होता है, और एक सीरीज होके जाता है, यानी कि आपस में जुड़ के जाता है एक। तो अगर आप ऐसे इसको जम्पर लगाओगे तो ठीक नहीं होगा, वो मैंने बहुत पहले करके देखा था। तो इसमें आपको डालना ही पड़ेगा। तो मैंने एक मदरबोर्ड से निकाल के रखा था यहाँ पे ये वाला, तो इसको हम लगाते हैं अभी। ये मैंने मदरबोर्ड से निकाला था। तो इसको हम अभी लगाएंगे। यहाँ पे एक गाइड भी होता है, तो वो आपको गाइड देख के लगाना है।
तो अच्छी तरह से हमने लगा दिया है, अभी देख रहे होंगे, इसको चेक करते हैं हम अभी। तो हमने इसे चार्ज लगा दिया है और ये बैटरी है जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल डेड हो चुका है। और देखते हैं स्टोर करता है या नहीं। अभी हमने पावर बैंक से लगाया है, तो अभी ये 2% पर है चार्ज, आप देख रहे होंगे। और थोड़ी देर हम होने देते हैं, 5% या 6% बढ़ने देते हैं, तो पता चल जाएगा कि चार्ज ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने चार्जिंग आईसी डाल दिया है और थोड़ी देर हम चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर चार्ज हो लेने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि कितना परसेंट बढ़ा है। अगर 4-5 बढ़ जाता है तो बिल्कुल सही हो चुका है। तो पहले ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा था चार्ज ये फ़ोन, और जब हम चार्ज, चाहे फ़ोन स्टार्ट हो या ऑफ हो, किसी भी तरीके से हम जब चार्ज लगाते थे तो इसका जो भी बैटरी बचा खुचा हो वो भी गायब हो जाता था इस फ़ोन से। तो ये प्रॉब्लम था और स्टोर तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका है, पर आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा चार्ज हो जाने देते हैं। तो ये देख रहे होंगे ये 6% बढ़ चुका है और ये फ़ोन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ओके हो चुका है। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं बता देता हूँ कि इस आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन हमने वो छोटा वाला आईसी जो फ्लैप पत्ता होता है चार्जिंग का नीचे, वहाँ से हमने छोटा सा एक आईसी चेंज किया था और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर उससे नहीं होता तो हमें ये चेंज करना पड़ता है, इसके नीचे एक ब्लैक आईसी होता है लगा हुआ। तो ये क्लियर हो चुका है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।